माय लाइफ में हूँ मैं इस टाइम, तो आज मैं पूरे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं लॉकडाउन से पहले अपने घर पे गई थी और मुझे नहीं पता था कि बीच में लॉकडाउन हो जाएगा, तो मैं कुछ भी वीडियो से रिलेटेड लेके नहीं गई थी। मटेरियल जो भी अपना मटेरियल होता है, लैपटॉप वगैरह, कुछ भी नहीं लेके गई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो नाउ आई एम बैक इन माई सिटी और मैं आज आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। जो मैंने ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स मंगाए थे वो मैंने लॉकडाउन से पहले मंगाए थे और मैं उन्हें ट्राई करके नहीं दिखा पाई थी आपको, तो आज मैं आपको उन्हें ट्राई करके दिखाऊंगी। ऑलमोस्ट ये वन ब्रांड मेकअप लुक हो जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने सारे ब्लू हेवन के ही प्रोडक्ट्स यूज करे हैं। 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं थे और शायद वो ब्लू हेवन में आते भी नहीं है, मुझे नहीं पता। तो यही आज मैं आपको दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा और कौन सा नहीं अच्छा लगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे जरूर क्लिक किया करिए, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन कब आ रहे हैं। वैसे मेरे जो वीडियो है अब रेगुलरली आया करेंगे, मंडे को सुबह 8:30 बजे और थर्सडे को रात को 8 बजे, उस टाइम पे आप जरूर देखिए मेरा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं मेकअप को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले टोनर लगा रही हूँ। गर्मी का टाइम है इसलिए मैं कुछ भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाऊंगी, ऑलरेडी बहुत पसीना आता है। तो यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर लगा रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्किन को ग्लो देता है। बाद में लगा रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर, ये स्टूडियो परफेक्शन प्राइमर है, ऑयल फ्री प्राइमर है और जेल बेस्ड प्राइमर है। जहाँ पे भी आपके ओपन पोर्स होते हैं वहाँ पे प्राइमर आप ज़रूर लगाएं, उससे आपको एक स्मूथ फेस मिलता है, स्मूथ सरफेस मिलता है आपको मेकअप बेस लगाने के लिए। तो आप प्राइमर ज़रूर लगाएं मेकअप स्टार्ट करने से पहले। ये प्राइमर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसका MRP 300 रुपीज़ का है और आप चाहें तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। अब मैं मेकअप बेस के लिए ब्लू हेवन का हाई कवरेज फाउंडेशन ले रही हूँ और इसमें भी प्राइमर है, SPF 50+ है, PA++++ है, वाटरप्रूफ प्राइमर है, इनविजिबल कवरेज देता है और ये भी बहुत अच्छा अफोर्डेबल फाउंडेशन है ब्लू हेवन की तरफ से। इसका MRP है 350, लेकिन आपको ऑनलाइन ये थोड़े कम प्राइसेस पे मिल जाएगा और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है, बहुत ही नेचुरल स्किन देता है, आपको लगता ही नहीं है कि आपने फाउंडेशन लगाया हुआ है। फाउंडेशन का जो शेड है वो क्रीमी बेज है और जो ये ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी मुझे इसी के साथ फ्री मिला है, फाउंडेशन के साथ ही फ्री आया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर और यहाँ पे भी मैं ब्लू हेवन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, शेड है 02 कैरेमल। और जहाँ पे भी आपको हाइलाइटिंग करनी होती है अपने फेस पे वहाँ पे कंसीलर ज़रूर लगाएं, तो बहुत ही अच्छा बेस तैयार होता है आपका, जैसे अंडर आई एरिया और आपके नोज़ के ब्रिज पे, अपने लिप्स के आसपास आप ज़रूर कंसील करें। और इसकी MRP है 150 रुपीज़ और ये भी आपको थोड़े कम प्राइस पर मिल सकता है और ये भी मुझे अच्छा लगा। जैसे स्विस ब्यूटी का कंसीलर है उसी तरह से ये है, तो स्विस का भी कंसीलर मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये भी मुझे बहुत पसंद आया है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। कंसीलर को भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूंगी तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है कंसीलर, कहीं से भी पैची सा नहीं लगता है। अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो भी ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ब्यूटी ब्लेंडर से, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ब्यूटी ब्लेंडर से ही कंसीलर को कंसील कीजिए, ब्लेंड कीजिए अच्छे से। मेकअप बेस को सेट करूंगी विद ब्लू हेवन मैट इफेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर विद सनस्क्रीन और ये लॉन्ग लास्टिंग कॉम्पैक्ट है, नॉन स्टिकी है और इसका MRP है 150। इसका कोई भी शेड नंबर नहीं था, शायद ये एक ही शेड में अवेलेबल है और ये अच्छे से मेरी स्किन को सूट कर गया है। और समर के टाइम पे कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप कॉम्पैक्ट ज़रूर लगाएं समर के टाइम पे, जिससे भी स्वेटिंग वगैरह होती है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉम्पैक्ट। तो अब मैं आईब्रोज फिल करने के लिए ब्लू हेवन की सिग्नेचर वाइब्रेंट आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, शेड है 01
और इसकी MRP है 225। और इसमें से मैं ब्राउन और ब्लैक शेड पिक करके अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी, बिकॉज मेरी जो आईब्रोज है वो थोड़ी डार्क है। अगर आपकी आईब्रोज थोड़े लाइट कलर की हैं तो आप ब्राउन शेड यूज़ करें जिससे ये नेचुरल दिखाई दे। तो ये जो आईब्रो पैलेट है ब्लू हेवन की, ये ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें 6 कलर्स आते हैं और ज़ीरो शेड में यही कुछ कलर हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, और इसके जो शेड हैं बहुत ज़्यादा पाउडरी हैं। नो डाउट कि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा पाउडरी हैं, लेकिन मतलब कहीं कहीं पे फॉल आउट हो जाता है, बट ओवरऑल प्रोडक्ट ठीक है, ओवरऑल ये आई शेडो अच्छा है। तो इसमें से ही मैं येलो कलर पिक करके अपनी जो आईलिड है उस पर प्लेस कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने येलोइश कुछ कलर का ड्रेस पहना हुआ है, तो मैं ये कलर्स जस्ट चेक कर रही हूँ कि किस तरह से ये ब्लेंड आउट होते हैं। तो ब्लेंड तो ठीक से हो रहे हैं, पिगमेंटेशन अच्छा है इसलिए अच्छे दिख रहे हैं, बट फॉल आउट होता है इससे। और इसी येलो कलर को लेकर मैं अपने लोअर वाटर लाइन के नीचे भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से स्मजिंग कर रही हूँ। तो अब मैं ग्रीन कलर को पिक कर रही हूँ और इसे भी मैं चेक कर रही हूँ कि इसका पिगमेंटेशन कैसा है, और ग्रीन कलर का पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है, अच्छे से प्लेस हो गया और अच्छे से ब्लेंड भी हो गया आईलिड पे। तो ओवरऑल जो आई शेडो है मुझे अच्छा लगा, बट हाँ मैं एकदम से रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे परचेज करें, क्योंकि थोड़ा मुझे प्राइस ही लगा कि 225 में ओनली आपको 6 कलर्स मिल रहे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप इसे परचेज करें, बट अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। ग्रीन आई शेडो को भी मैं अपने लोअर वाटर लाइन के नीचे अच्छे से स्मजिंग कर रही हूँ, अच्छे से स्मज आउट कर रही हूँ। तो येलो और ग्रीन कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है आई शेडो का। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का सफायर लिक्विड आई शेडो, शेड है 02 शूटिंग स्टार, और इसका जो MRP है वो 175 रुपीज़ का है, और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है ये लिक्विड आई शेडो। जब मैं इसे प्लेस कर रही थी तो वैसे तो अच्छे से प्लेस हो रहा था, लेकिन जब मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही थी तो ये ब्लेंड नहीं हो रहा था, फिंगर्स पे ही आके चिपक जा रहा था, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा है। पता नहीं क्यों लिक्विड आई शेडो मैंने अभी तक ये 1 या 2 ट्राई किए हैं और दोनों का ही मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत बेकार रहा है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्लू हेवन का लाइन एंड डिज़ाइन स्केच आईलाइनर। स्केच आईलाइनर मुझे बहुत ही पसंद आते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, स्केच आईलाइनर मुझे अच्छे लगते हैं कि आप फटाफट से आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होती इसमें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ब्लू हेवन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल प्लस आईलाइनर है, सेल्फ शार्पनिंग है, और इसकी MRP है 100 रुपीज़, और ये ब्लू कलर का है, और ये काजल मुझे अच्छा लगा। आप इसे एज ए आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। मस्कारा मैं मेबलिन का हाइपर कल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मस्कारा मंगाया था बट मैंने वो किसी को गिफ्ट कर दिया है ब्लू हेवन का, तो इसलिए मैं मस्कारा नहीं यूज़ कर पाई हूँ ब्लू हेवन का, बट मैंने एक बार उसे ट्राई किया था, ब्लू हेवन का मस्कारा अच्छा है। कॉन्टोरिंग के लिए भी मैंने कुछ नहीं मंगाया था ब्लू हेवन से, तो मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट से ही ब्राउन शेड पिक करके अपने फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे आपका जो फेस पे कट मिलता है, जहाँ पे भी आपके फेस कट होते हैं वहाँ पे आपको कट मिलता है। अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं ना, तो उसके बाद आपका एक वाइटिश फेस निकल के आता है, और उसके बाद आपके फेस पे कोई कट्स दिखाई नहीं देते, तो इसलिए कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं ब्लशर लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का प्रोफेशनल ब्लशर लगा रही हूँ, शेड है 06, और ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर बहुत अच्छा है। मैंने ब्लू हेवन का कोई भी ब्लशर नहीं मंगवाया है, लेकिन मुझे क्योंकि यही ब्लशर बहुत अच्छा लगता है।
हाईलाइटिंग के लिए भी मैं स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, शेड है 02 और बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है, ब्रिक हाईलाइटर है और बहुत ही अफोर्डेबल है। लिप कलर के लिए मैंने यूज़ की है स्विस ब्यूटी की मैट लिपस्टिक, और ये लिक्विड लिपस्टिक है, मैट इफेक्ट देती है और जो इसका शेड है वो S13N है, रेड स्मोक, और बहुत ही अच्छा से शेड है। जो इसकी MRP है वो 200 की है और ओवरऑल जो ये लिपस्टिक है ये बहुत ही अच्छी है। हाँ, थोड़ा ड्राई होने के बाद ये थोड़ी स्किन को लिप्स को ड्राई कर देती है, बट सारी ही लिक्विड लिपस्टिक ड्राई करती हैं। लास्टली मैं यूज़ करूँगी मेकअप फिक्सर, ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर है, मिस्ट पे स्प्रे इसका फॉर्मूला है, पैराबेन फ्री है और एलोवेरा है इसके अंदर, इसकी MRP है 300 और ये भी मेकअप फिक्सर अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज का है। तो देखिए ओवरऑल जो मेकअप लुक निकल के आया है ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स के साथ तो कुछ इस तरह से आया है। ओवरऑल प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अफोर्डेबल हैं, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। एक दो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं वो ठीक नहीं है। तो ये था मेरा पूरा वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप लुक जो मैंने ब्लू हेवन के साथ क्रिएट किया था। इसमें दो तीन प्रोडक्ट ऐसे थे जो मैंने ब्लू हेवन के यूज़ नहीं किए थे, जो मैंने मंगाए नहीं थे, और शायद वो हाइलाइटर वगैरह ब्लू हेवन का आता भी नहीं है, और सारे ही सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ब्लू हेवन के सारे ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट होते हैं, और ये तो सारे ही अफोर्डेबल हैं, उन पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता रहता है ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो। तो ये था पूरा वीडियो, होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फनी वीडियोस।